ये मंगल गीत वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विष्णु भगवान और उनके विग्रह स्वरूप के लगते जयकारे किसी आम विवाह समारोह के नहीं है, बल्कि माँ तुलसी के शालिग्राम विवाह से पूर्व हल्दी रस्म के वक्त के हैं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह पूरे विधि विधान से किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है और इस दिन को एक पर्व के समान मनाया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है, इसलिए यदि किसी कन्या न हो और उसे अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी बैकुंठ धाम गई थी। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। इसी निमित्त इस बार का विवाह समारोह कुछ अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। बताया गया कि इस बार विष्णु का विग्रह स्वरूप शालिग्राम भगवान धर्मनगरी चावण से बारात लेकर सक्तड़ा माँ तुलसिया जी से ब्याह करने पहुंचेंगे। मंगल गीतों व धार्मिक जयकारों के बीच सराड़ा उपखंड के सक्तड़ा में इसी निमित्त लग्न पत्रिका स्वीकार हुई। समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में ठाकुर जी की बारात धर्मनगरी चावण से 7 किमी दूर सक्तड़ा गांव में ले जाने के प्रयोजन का एक ये अलौकिक अवसर था। भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम व तुलसी मैया के विवाह का, जिसे लेकर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों की उपस्थिति में आनंद व उल्लास के साथ तुलसी विवाह के आयोजक दंपति ललिता देवी व हरिराम सेवक के आंगन में सुबेला में लग्न पत्रिका सौंपी गई। इससे पूर्व भगवान शालिग्राम के माता पिता का धर्म निभा रहे चावण निवासी मनोज व्यास लीला व्यास के घर से धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ और मंगल गीतों के साथ लग्न के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही पंडित सोहनलाल व्यास और धर्म के माता पिता बने उनकी मां भाई परिवार सहित गांव के बड़े सदस्यों में बड़ी संख्या के साथ चावण वासियों का सकतड़ा में भव्य स्वागत हुआ। पंडितों के वैदिक ऋचाओं के साथ भगवान शालिग्राम व तुलसी के लग्न पत्रिका लिखी गई। गणपति स्थापना के साथ तुलसी विवाह को संपन्न गणपति स्थापना के साथ तुलसी जी को विवाह के लिए डोरा बांधा गया। विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। इसके पश्चात सभी को महाप्रसाद वितरित किया गया। 14 नवंबर को इसी निमित्त रविवार चावण से ठाकुर जी की बारात पहुंचेगी। इससे पूर्व 12 नवंबर को सकतड़ा में तुलसी माई की बिंदोली निकाली जाएगी और शनिवार को 13 नवंबर चावण में शालिग्राम जी की बिंदोली निकाली जाएगी। Bye.
चौकी पर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।